Unju and Munju are partners in 9:7. Firm's balance sheet on 31st December 2016 is given below. Now, capital दिया है Unju और Munju का 3500 and 2750 and there is current account. ये जो नया point है, ये current account है ना debit side, आपको लेना है credit side. वो बताऊंगा मैं आपको capital account में ही. So, creditor is liability, bank, ये जो है, it is cash at bank, ये हम asset नहीं लेते. Debtor is asset, stock is asset, furniture is asset and also there is current account. अब ये करंट अकाउंट क्रेडिट साइड से है. सो प्रॉपर्टी इज एसेट. फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसे ये चीजें आती है. तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट. व्हेन वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कुछ स्टेप्स जो मैंने कहे हैं आई होप आपको याद होंगे. तो बता दीजिए जो सबसे पहला स्टेप है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड. सर एसेट कौन कौन सा है? एसेट है डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और है प्रॉपर्टी. सो जो डेटर है, डेटर कितना है? 4700. स्टॉक जो है वो है 2300. फर्नीचर जो है वो है 50, यस. एंड आफ्टर दैट देयर इज प्रॉपर्टी, दैट्स 2000. सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड. जो कोई भी एसेट है वो होता है डेबिट. नाउ द सेकंड पॉइंट इज ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. सर लाइबिलिटी कौन है? क्वेश्चन में देखे लाइबिलिटी होगा देखे. सो क्रेडिटर्स हाउ मच दैट इज 12,000. अब जो तीसरा स्टेप है माय डियर, सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड. अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, फर्म वॉज डिजॉल्व्ड, प्रॉपर्टी को आ गया 1500, बैड डेट्स है 500. इट मीन्स डेटर्स में से 500 रुपए पैसा नहीं देते हैं. स्टॉक को आ गया 200 रुपए बुक वैल्यू से ज्यादा. और फर्नीचर किसने लिया? मंजू ने एट 25. अब देखेंगे यहां पे मैं आपको लिखता हूं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को आ गया 1500, ओके. एंड आफ्टर दैट बैड डेट है 500. इसका मतलब है ये जो डेटर है ना, ये 4700 था. उन्होंने हमें 4700 नहीं दिए, बल्कि 500 रुपए नहीं दिए, उन्होंने हमें सिर्फ 4200 दिए. इस बात का ख्याल रखना, बैड डेट है 500 रुपए. बैड डेट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी विच कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम सनरी डेटर्स. तो डेटर का वैल्यू था 4700 और इन्होंने 500 रुपए नहीं दिया, तो इन्होंने कितना दिया? 4200. एंड आफ्टर दैट कह रहा है क्वेश्चन, स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो कितना है? 23. इसे 23 नहीं आ रहा है, बल्कि 23 से ज्यादा 200 आ रहा है. दैट्स इक्वल टू 2500. ओके माय डियर, ओके. इसके बाद कह रहा है और क्या है? फर्नीचर. फर्नीचर हम कैश में नहीं बेच रहे हैं, बल्कि फर्नीचर को ले रहा है कौन? फर्नीचर ले रहा है 25 में कौन? मंजू. मंजू ले रही है जी. अब इसका टोटल करते हैं 0075 के बाद अखाव कैरीज क्षेत्र के 8200. तो 8200 हमें कैश आ गया. सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड बाय कैश बाय पार्टनर. पार्टनर कौन सा है? मंजू. कैश कितना है? 8200. और मंजू का कितना है? 25. तो स्टेप्स है ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड. एंड द फोर्थ पॉइंट इज माय डियर रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. जो कर्जा हमें वापस करना है, ठीक है, वो कहां से आता है? डेबिट साइड से. वो कितना देना है हमें? क्वेश्चन कह रहा है जो क्रेडिटर्स है
उन्होंने कहा 100 रुपया आप ही को हो गया। क्रेडिटर्स का कर्जा कितना था? 12,000। तो हमें 12,000 नहीं देना है, उन्होंने कहा 100 रुपया नहीं देना, तो उन्हें हमें देना है 11,900। तो स्टेप्स क्या है? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, सेल ऑफ एसेट इशू ऑन क्रेडिट साइड, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इशू ऑन डेबिट साइड, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपेंस केम टू 75। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो कितना है? 75। अब हमें देखना है रियलाइजेशन लॉस कितना आया होगा। ओके, वो कैलकुलेटर कहते हो? +2,050 जो रियलाइजेशन लॉस है वो 21025, क्योंकि यहां से आ रहा है 21025 और यहां का टोटल कितना है? 72 गए, वो 750 रुपये -20225। सो 800 आपका आ रहा है रियलाइजेशन लॉस। अब ये रियलाइजेशन लॉस आपको किसे देना है? एक तो देना है अंजू को और देना है किसे? मंजू को। तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय अंजू, बाय मंजू, 9/16 एंड 7/16। सो ये आ रहा है 350 और ये आ रहा है 450। सो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आपको यहां तक आता खुद ब खुद। अब इसके बाद जो बनाना है वो हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो है अंजू और है मंजू, नाउ डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आ रहा है आपका। मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, आपको याद रखे आप। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां पे करंट अकाउंट है डेबिट साइड से, आप यहां पे ऐसे लिखें, ये पॉइंट आप बाय करंट अकाउंट, और यहां से भी लिखें टू करंट अकाउंट, जो कि आज का नया पॉइंट है। डेबिट साइड से लिखा है अंजू करंट अकाउंट, वो लेंगे हम क्रेडिट साइड से बेटा, कितना? 300 रुपीज। ओके माई डियर, अब क्रेडिट साइड से लिखा है मंजू करंट अकाउंट, वो लेंगे डेबिट साइड से, वो कितना? 1000। बस ये पॉइंट एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं करना है, ठीक है माय डियर। डेबिट साइड से लिखा था मंजू करंट अकाउंट, वो लिया हमने क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड से जो एसेट साइड से दिया है ना मंजू करंट अकाउंट, वो लेना है डेबिट साइड से, हाउ मच? 1000। अब मुझे बता दीजिए अपना कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे, बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 3500 एंड 2750, ओके। एंड आफ्टर दैट, अब इस कैपिटल अकाउंट में आप देखें कहीं पे क्या, कहीं पे पार्टनर्स इन्वॉल्व हो रहे? यहां पे तो नहीं। हाँ, यहां पे मंजू हुआ है क्रेडिट, तो यहां क्या होगा? वो डेबिट किससे? रियलाइजेशन। कितना? 25। मगर मंजू में लिखना है, अंजू और मंजू हुआ है क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा? डेबिट
तो रियलाइजेशन 450, 350. ओके माय डियर, नाउ सम इट अप. अगर हम सम करेंगे तो ये साइड बड़ा है 2750, 3800, 2750, 3800. दिस माइनस दिस, और वो हमें लिखना है टू कैश. 2750 माइनस सास माइनस 1375. 3800 माइनस 450, 3350. ओके माय डियर, नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. सो फॉर्मूला आपको पता है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज. ओके बेटा, नाउ माय डियर, सबसे पहले अगर आप बैंक देखेंगे टू बैलेंस बी ओब्लिगटी, हाउ मच दैट इज, दैट इज 8500. ओके सर, ये तो कैश एट बैंक है. आप यहां पे याद रखना, जो भी कैश एट बैंक आएगा ना, वो आपको कैश अकाउंट में आएगा, या तो अदरवाइज आपको बैंक अकाउंट बनाना है. फिर यहां पर भी बैंक आता, यहां पर भी बैंक, यहां पर भी बैंक. सिंपल सा है, अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है तो आप कैश अकाउंट बनाओ. ठीक है माय डियर, बाकी स्टेप्स आप अपने याद रखोगे. सो टू बैलेंस बी ओब्लिगेटरी है 8500. अब बताइए कैश कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हुआ है. यहाँ पे देखिए, कैश हुआ है डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन. और मैंने कहा था ये है रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. हाउ मच इट इज, 11,900. कैश हुआ है डेबिट, आएगा क्रेडिट साइड से बाय रियलाइजेशन. सो दैट इज 75. कैश हुआ है क्रेडिट, आएगा डेबिट साइड से टू रियलाइजेशन. हाउ मच, 8200. व्हाट इज इट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. इसके बाद बेटा, कैश हुआ है डेबिट, क्या आएगा क्रेडिट बाय अंजू बाय मंजू 3350, और मंजू का है 1375. सो 16,700. And this must be equal to 16,700. Let's check it. So 11,900. अच्छे. So this is equal. This बस कुछ point था ही नहीं, सिर्फ एक point था इसमें. करंट अकाउंट यहाँ पर भी, करंट अकाउंट यहाँ पर भी, चाहे दिया होगा आपने कैपिटल अकाउंट में लेना है. बाकी बहुत ईजी है माई डियर, जो भी न्यूमेरिकल था वो आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है, कंप्लीट है.